नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज अपने पास ओरिएंट का एक एलपीजी गैस गीजर रिपेयर होने के लिए आया है और ये पानी को गर्म नहीं कर पा रहा है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गैस गीजर में क्या क्या किस किस तरीके के फॉल्ट आते हैं और उनको कैसे रिपेयर किया जाता है। ये कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपका समय बचाने के लिए इसके जितने भी स्क्रू हैं मैंने खोल लिए हैं, कवर को कर लेते हैं साइड में। जैसे ही कवर को साइड में करेंगे तो आपको काफी सारे पार्ट्स इसमें दिखाई देंगे और इसमें कौन से पार्ट्स का क्या काम है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक छोटा सा पार्ट, ये इसका मैग्नेटिक एक स्विच है जिसका काम होता है जैसे ही इसके अंदर पानी का प्रेशर आए तो ये सर्किट को ऑन कर दे, इसका काम ये होता है। इसके बाद में एक यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये जो स्विच है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। अगर आपको इसको ऑन करना है तो ऑन कर दीजिए, ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए। तो ये मैग्नेटिक स्विच और ये स्विच दोनों सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी खराब हो गया तो आपका गैस गीजर जो है काम नहीं करेगा। इसके साथ में आप इधर देख पा रहे होंगे एक थर्मोस्टेट होता है, इसका काम होता है कि अगर सेट टेम्परेचर से ज्यादा पानी गर्म हो जाए तो उस टाइम पे सर्किट को कट करना, इसका काम होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो सेल होते हैं, प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, दोनों सेल जो है सीरीज में जुड़े होते हैं, टोटल 3 वोल्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक वाल होता है, एसवी वाल। इसका काम जो होता है वो होता है कि जब सर्किट जो है आपने ऑफ कर रखा है गीजर को, उस टाइम पे ये गैस को ऑफ कर दे, वाल को बंद कर दे, और जैसे ही आप ऑन करते हो तो इस वाल को ये ओपन कर दे, यानी कि गैस को आगे पास होने दे, ये इस एसवी वाल का काम होता है। ये इधर आप कंट्रोलर देख पा रहे होंगे, इसका काम जो है वो है इग्निशन का, यानी कि यहाँ पे लाइटर का काम करता है। अब इसमें कौन सा पार्ट खराब होता है और उसको कैसे चेक किया जाता है ये हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैंने वोल्ट मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया है और अपन इसके जो सेल हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पर ये मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाएंगे। तो अब मैं जैसे ही लगाता हूं यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये मल्टीमीटर है, ये बता रहा है कि सेल आपके 2 वोल्ट के ही बचे हैं, तो भी ये काम नहीं करेगा, यानी कि आपको जो सेल हैं वो नए सेल इसमें डालने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉल्ट तो यही आप चेक करें कि ये काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे आप इसके सेलों की वोल्टेज चेक करें। ठीक है, पहला फॉल्ट होता है ये। फिर दूसरा इसमें फॉल्ट आता है वो ये आता है कि इसका जो स्विच, आप मल्टीमीटर को करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे सेट, यानी कि बजर मोड पे जिसको आप बोलते हो। अब आपका ये जो स्विच है इस स्विच के दोनों साइडों की पिन पे लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे तो मल्टीमीटर की बीप आनी चाहिए। देखो यहां पे कोई बीप नहीं आ रही है। एक बार मैं इस पीवीसी को हटाता हूं यहां, तो यहां से पीवीसी को अपन ने हटाया है और मल्टीमीटर के दोनों लीड यहां पे लगाते हैं भाई, यहां पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। एक बार ऑफ करके देख लेते हैं तो दोनों कंडीशन में ऑन ऑफ कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो आपका माइक्रो जो स्विच है ये भी आपका खराब हो चुका है, अपना स्विच भी खराब है, सेल भी खराब है यहाँ पे। फिर आगे जो है वो आपको बताता हूं, ये आप जो थर्मोस्टेट देख पा रहे होंगे इधर, इसकी दो पिन होती हैं, दोनों पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहां पे अगर कंटिन्यूटी आती है तो ये थर्मोस्टेट ओके है, अन्यथा खराब है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे फुल कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब आपका थर्मोस्टेट ओके है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आती तो इसको भी अपन बदल देते। ठीक है जी, तो आपके कितने फॉल्ट हो गए, आपका सेल 1, स्विच 2 और थर्मोस्टेट 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप ये देख पा रहे होंगे ये मैग्नेटिक जो स्विच है इसके ऊपर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो ये ओके होगा। लेकिन कंटिन्यूटी कब आएगी ध्यान रखना, इसके इस पाइप के अंदर या तो आप प्रेशर के साथ पानी डालें या फिर इसके इसको सीधा खड़ा करें ताकि इसके अंदर जो एक मैग्नेट है वो यहां से खिसक के और इसके जस्ट सामने आ जाए तो ये कंटिन्यूटी देना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी दे रहा है तो ये ठीक है, अन्यथा ये खराब है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके वायरों को ही इसने काट दिया है चूहे ने, तो ये भी अपन ने इसमें नया बदलने वाले हैं। इसके बाद में आपको बता दूं जैसे ही ये स्विच आप ऑन करेंगे और यहाँ पे इसमें प्रेशर डालेंगे तो ये
आपका कंट्रोलर जो है ऑन होगा, और ऑन होने के बाद में ये एसवी वाल्व जो है वो ओपन होना चाहिए, और जब इसके पाइप में यहाँ पे एलपीजी गैस का कनेक्शन होता है वहां पे आप मुंह से हवा भरें, तो इसमें अगर हवा भरी जा रही है, हवा आगे पास हो रही है, तो ये एसवी वाल्व ओके है, अन्यथा ये खराब है। तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो पहले इसका जो कंट्रोलर है ये बिल्कुल खराब हो चुका है, इसकी वायरिंग पूरी डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन इसका स्विच, सेल और कंट्रोलर इसका रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले तो साथी अपना ये जो स्विच है ये से दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। एक मिनट, मैं कंटिन्यूटी पे सेट कर देता हूं इसको। तो जैसे मैं ऑन कर रहा हूं स्विच को तो कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये नया स्विच है, इसको बदल देते हैं, पुराने वाले को यहां से दबा के इसको और निकाल देंगे। तो ये पुराना स्विच मैंने निकाल दिया है, इसकी जगह अपन नया स्विच जो है इसमें यहाँ प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे दो वायर जो हैं वो इसके कंट्रोलर के जोड़ देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये इसका जो खराब कंट्रोलर है मैंने यहाँ से हटा लिया है ताकि आपका समय बचाया जा सके। अब इसमें नया कंट्रोलर, अपन ये वाला कंट्रोलर है नया, ये इसमें लगाएंगे। तो लगाने से पहले इसकी कंप्लीट वायरिंग हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने को क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पे तीन ये नोब दिख रही होंगी आपको, इन तीनों नोबों को अपन कैसे सेट करेंगे, और ये जो कंडक्टर हैं कौन सा कहाँ पे लगेगा, ये सारे कंडक्टर कौन सा कहाँ पे लगेगा, इससे पहले लगाने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसको एक बार यहाँ बॉडी पे इसके स्क्रू टाइट कर लेते हैं ताकि ये बार बार इधर उधर ना हिले। तो देखो कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे एक स्क्रू के माध्यम से यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर लिया है, और इसमें तीन आप देख पा रहे होंगे तीन यहाँ पे जो है पिन है। तो इनमें से बड़ी वाली जो पिन है, ये वाली बड़ी वाली, ये इधर जो ये वाला जो इसका जैक है यहाँ पे इसको लगा देंगे, और लगा के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। इसका ये ध्यान रखें ये जो पिन है इसके जस्ट सामने होनी चाहिए और दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जस्ट सामने होना चाहिए, और अच्छे से इसको टाइट कर देना है। उसके बाद में ये दो जो नॉब देख दो पिन देख रहे होंगे दो वायर, तो इसका जो लंबा वाला पिन है, देखो दो पिन है, एक की छोटी है और एक की लंबी है। तो लंबी वाली जो पिन है इस साइड में लगेगी यहां पे, और जो छोटी वाली जो पिन है वो यह इधर लग जाएगी। कई बार इनमें प्रॉब्लम आती है तो आपस में दाएं बाएं इनको बदल दें, दोनों को आपस में अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अपनी जो इग्निशन की जो तीनों जो वायर है वो अच्छे से कनेक्ट हो गई हैं। अब कंट्रोलर की देखो यहां पे आपके पास में कितने जैक आए हैं मैं बता देता हूं, एक और ये दो और ये तीन और ये चार, एक लाइट का है पांच, और एक जैक इधर नीचे से आ रखा है छह, छह जैक आ गए हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसका जो तीन पिन वाला तीन वायर वाला जैक देखेंगे, ये तीन वायर वाला है एक दो तीन, तो इसको जो ये एसवी जो वॉल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले इसको करो ताकि आपकी वायरिंग अच्छे से समझ में आए। ये लो जी एसवी को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में आपके देखो ये जो लाइट वाला ये आपको कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पास कितने बचे, तो आपके पास में बचे एक दो, और ये एक वायर दिख रहा होगा आपको, ये वायर जो है अर्थिंग का है, इसकी बॉडी के साथ टाइट कर देंगे, कहीं पे भी बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसको यहां पे आप देख पा रहे होंगे बॉडी पे यहां इस स्क्रू के साथ पहले इसको टाइट कर देता हूं। तो ये अर्थिंग का वायर जो है बॉडी के साथ अच्छे से टाइट करना है, इसको लूज नहीं करना है बिल्कुल भी, हो गया। इसके बाद में ये दो वायर देख रहे होंगे, ये एक काला वायर है एक पीला वायर है, तो ये जो है बैटरी के हैं, तो पीला वाला पॉजिटिव होगा और ये ब्लैक वाला जो है ये आपका माइनस का होगा। तो इसको नीचे से ले लेंगे, तो जो पीला वाला है ये देख पा रहे होंगे ये आपका पॉजिटिव है, ये नीचे वाला जो है नेगेटिव है माइनस है, अच्छे से लगा देंगे इसको, और ये पीले वाला जो है आपका पॉजिटिव है, इसको
इसमें लगा देंगे अच्छे से। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और माइनस के साथ माइनस जोड़ें, अगर गलत जोड़ोगे तो फिर ये ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, अब आपके पास में यहाँ पे दो जैक बच चुके हैं। ठीक है जी, तो दो तो एक तो टेम्परेचर का है, ये वाला जो है ना, ये इसकी डिस्प्ले का है टेम्परेचर का, और ये है आपका स्विच का। तो स्विच के लिए एक ये वायर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वायर ये जा रहा है इसकी डिस्प्ले में टेम्परेचर के लिए। ये यहाँ पे डिस्प्ले है इसके बैक साइड में, तो यहाँ टेम्परेचर के लिए है। ये वायर इसके साथ एक जैक और होगा, तो ये इसके साथ जोड़ देंगे अपन टेम्परेचर के लिए। ये नहीं जोड़ोगे तो आपको डिस्प्ले पे टेम्परेचर जो है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, और ये बच गया आपका, ये जाएगा आपका स्विच पे। तो स्विच के लिए ये जैक होगा, देखो येलो के साथ येलो जोड़ दो या कोई सा भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। येलो, अब इसमें दो वायर होंगे देखो, तो ये दो तो स्विच पे चले जाएंगे, दो चले जाएंगे मैग्नेटिक स्विच पे। तो मैग्नेटिक स्विच मेरे पास ये रहा, नया लगाएंगे अपन। तो यहां से इसको निकाल लेते हैं, ये नया मैग्नेटिक स्विच लगा देंगे यहां पे। ये मैग्नेटिक स्विच उस पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये दो वायर जो हैं आपने जो ये स्विच लगाया ना नया, इस स्विच के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैं इसको स्विच के साथ सोल्डरिंग कर देता हूं। ये मैग्नेटिक स्विच और ये स्विच दोनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो मैंने दोनों वायर जो हैं अच्छे से स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और अब अपने पास यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं बचा है, ये जो है एलईडी है इसके सामने कनेक्ट कर देंगे। अब दो वायर जो इसके पीछे से नीचे से आए हुए हैं, ब्लैक वायर है ये, आप यहाँ कंट्रोलर में देखोगे तो ब्लैक वायर दिखेंगे, और ये ब्लैक वायर जो है आपको यहाँ पे ये जो थर्मोस्टेट लगा है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। एक इधर कर देंगे और दूसरा इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये वायरिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी इसके जो सेल हैं वो रिप्लेस करने हैं मेरे को, उसके बाद में ये ऑन हो जाएगा। अभी जो सेल हैं वो खराब है, तो इसके लिए मेरे पास एक दूसरी बैटरी है, वो बैटरी एक बार लगा के इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या अपने कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। दोनों वायर जो हैं ये मैंने बैटरी सेल से हटा लिए हैं क्योंकि सेल खराब है। ये मेरे पास एक बैटरी है, इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, तो प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ माइनस कनेक्ट करता हूँ मैं, और फिर ऑन करके देखते हैं। तो ये प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस कनेक्ट करने से ऑन नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि अपना जो ये मैग्नेटिक स्विच है ना, ये ऑन नहीं हुआ, और इसको ऑन करने के लिए आपको पता है इसके अंदर एक मैग्नेट होती है, वो इसके जब बिल्कुल सामने आएगी तब ये ऑन होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार के लिए इस स्विच को आपस में शॉर्ट करते हैं, इन दोनों तारों को, और ऑन करके देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये मैग्नेटिक स्विच निकाल के यहाँ पे मैंने और इसको शॉर्ट कर दिया है, और मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, और ऑन करते ही आप देख पा रहे होंगे ये मेरी लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे जो है स्पार्क भी होने लगा है। इसका मतलब ये अपना अच्छे से काम करने लगा है, और मैं जैसे ही इसको बंद करूंगा उससे पहले मैग्नेटिक स्विच को इसकी जगह अच्छे से कनेक्ट करूंगा, उसके बाद में ही इसको कवर को क्लोज करूंगा। तो ये अपना अच्छे से काम करना लगेगा, और मैं ये भी देखता हूँ कि वाल अपना ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं एक बार स्विच ऑन ऑफ करके देखता हूँ, ये स्विच इसमें आवाज आई है, ये ऑन हो चुका है, और इसमें मैंने हवा भर के देखी है, ये बिल्कुल हवा पास हो रही है। अगर ये मैग्नेटिक एसवी वाल अगर ऑन होने के बाद में अगर हवा अच्छे से पास हो रही है तो ये सही होगा, और हवा पास नहीं हो रही है आगे तो ये खराब होगा, इसको बदल देना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं और हमारे से सुझाव ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।